स्क्वायर के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस एवरी डे 7:30 PM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दैट टू फ्री. यस गाइज, यू हर्ड मी करेक्ट, एब्सोल्यूटली फ्री इन स्पेशल क्लासेस. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का, अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट. सो गाइज, लेट्स क्रैक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल अनअकैडमी नीट टॉपर्स, विच ब्रिंग्स यू विद द बेस्ट क्वालिटी एंड कंटेंट एंड द बेस्ट एजुकेटर्स. राइट गाइज, सो लेट्स क्रैक इट. Good morning, जी स्क्वायर आर्मी. वेलकम टू द अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल, आपका अपना चैनल विद थ्री ग्रेट 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 एंड सबसे प्यारे टीचर्स, मी गौरव सर एंड विशाल सर, टीचिंग यू फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? अभी मैं वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट द टेस्ट पेपर्स. जेनेटिक्स में तो बच्चों तुम लोग को ना और सेशन की जरूरत है, मुझे बस इतना पता चल चुका है. तुम लोग बेसिक्स में ना कई बार खो जा रहे हो, तुम लोग क्वेश्चंस को पकड़ने में खो जा रहे हो, आंसर आते हुए भी गलत कर जा रहे हो, मुझे इतना समझ में आ चुका है. वंस आई एम ओवर विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो कल क्या कहते हो बच्चों, एक बार जेनेटिक्स का फिर से रिविजन कर ले. आप लोग मुझे बता दो चैट बॉक्स में, जेनेटिक्स के टेस्ट के हाल देख के, उसके स्कोर्स को देख के, पूरा पूरा टेस्ट पेपर. ठीक है, एक आध क्वेश्चन हमेशा इधर से उधर हो जाते हैं, ठीक है, आई अग्री, उसके लिए मैं हमेशा सॉरी भी कहती हूँ आपको. बट बच्चों एट द सेम टाइम पता नहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगर मैंने रिवाइज नहीं कराया तो मैं जेनेटिक्स और टेस्ट सीरीज का कोई पर्पस नहीं है बच्चों. क्योंकि ना टेस्ट सीरीज का पर्पस ये होता है कि हम बच्चों की कमियों को देखें और फिर उसको एनालाइज करें और फिर उसको समझाएं. राइट बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि एक पेडिग्री एनालिसिस पे एक पूरा का पूरा सेशन हो जाना चाहिए, सारे जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एक सेशन हो जाना चाहिए. तो आगे सिलेबस खींचने से पहले मैं पीछे का सिलेबस की तो स्ट्रेंथ बना दूं, वरना ऐसे सिलेबस कराने का भी क्या मतलब जहां पे बस टीचर आ रहा है और पढ़ा के जा रहा है. भाई यहाँ पे यू नो दिस चैनल इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड माई अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, है ना बच्चों. यहाँ पे ये नहीं है कि हमने कुछ आपसे पैसे ले लिए और बस पढ़ा रहे हैं, हमें आप कोई मतलब नहीं है, बच्चा कुछ भी करे, दिस इज नॉट गोना हैपन ऑन दिस चैनल. तो जहां मैंने दो दिन देखा जैसे कि डिंपल एंड सचिन आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, उन्होंने बताया कि मैम ऑलमोस्ट डाउट है बच्चों को हर एक क्वेश्चन में. सो व्हाट आई थिंक, आई शुड टेक अप अ ह्यूज मैराथन टुमारो, जेनेटिक्स का पूरा एक मैराथन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पूरा एक मैराथन बनता है बच्चों, वरना मुझे लगता है मेरे बच्चों के बेसिक्स तो गए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जगह गिर रहा है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना बच्चों, ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रहा है. तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि सारे बच्चों ने यस लिखा है, सो आई थिंक ये बनता है. तो अब कल से बच्चों, कल दो दिन मुझे दे दो, वैसे भी साल एंड होने वाला है, और आज मुझे कॉमेंट सेक्शन में तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन चाहिए. और बच्चों कल पे, कल दो दिन मुझे दे दो बिफोर आई स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम. एनिमल किंगडम आज खत्म हो जाएगा, प्लांट किंगडम शुरू करने से पहले दो दिन में फटाफट से एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें डीपीपी दे दूंगी जेनेटिक्स की, फिर उसे सॉल्व करना, फिर मुझे बताना कि मैम वी वॉन्ट मोर सेशन और नॉट. ठीक है, तो ये वाला प्लान कैसे है, एक बार थम्स अप और दिल बना दो चैट बॉक्स में, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये प्लान किलर प्लान है. देखो क्या प्लान है, मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, जस्ट मुझे दो मिनट दे दो बच्चों, जल्दी जल्दी से फिर इंट्रो करके पढ़ा दूंगी. पहला है कि कल जैसे अभी दो टेस्ट हुए, तुम लोगों की नैया बिल्कुल डूबी पड़ी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम्हारी नैया उसमें डूबी हुई है. ठीक है, अब उस नैया को तैराना नहीं है, दौड़ाना है, नैया को सिर्फ तैराना नहीं है, दौड़ाना है, मोटर जेट बनाना है. तो उसके लिए हमें एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा पूरे जेनेटिक्स का, काफी टाइम हो गया उस चैप्टर को किए. तो दो दिन मुझे दे दो, दो दिन में फटाफट से यूट्यूब पे पूरा रिवीजन कराती हूँ तुम्हें, उसके बाद डीपीपी दूंगी. कहाँ पे? आज ही दे दूंगी डीपीपी. आई विल गिव यू 700 क्वेश्चंस ऑफ एंटायर जेनेटिक्स टुडे, 700 क्वेश्चन का डीपीपी तुम्हें आज मिल जाएगा, और वो हम डिस्कस करेंगे कल. ठीक है, फिर हम फिर से क्या करेंगे, अगर डीपीपी में भी और भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस पर एक और सेशन बना देंगे. तो जब तक हमारा पीछे वाला तगड़ा ना हो जाए, ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा, सिलेबस चलेगा, उसकी तुम टेंशन मत लेना. बट कल मॉर्निंग में 10 बजे सब जेनेटिक्स के लिए आ जाएंगे. आएंगे या नहीं आएंगे एक बार तो बता दो जोश के साथ, एक बार स्माइल जो तुम करते हो ना, इतनी प्यारी सी स्माइल मॉर्निंग में कि हाँ मैम ये दिक्कत तो हो रही है, आप ही हमारे साथी हो. 700 क्वेश्चन की आज डीपीपी तुम्हें मिल जाएगी, अभी दे दूंगी मैं. जस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हमेशा कहती हूँ, जिस बच्चे को इस बार अपना रिजल्ट पक्का करना है उसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे डीपीपी मिलेगी.
ठीक है, पूरी बायो की 700 क्वेश्चन की डीपी भी आज मिल जाएगी जेनेटिक्स की। तो अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। आई थिंक बच्चों ने यहाँ पे थम्स अप दे दिया, बच्चे मेरे आइडिया के साथ बिल्कुल अलाइंड है, हम आपस में एक दूसरे की बात समझ चुके हैं। दिल की बातें तो हम समझते ही है, बट हम पढ़ाई की बातें भी समझते हैं ना। यस, तो बच्चों आज हमें करना है एम्फीबियन रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स। सो बेसिकली आज ये चैप्टर हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जूही मैम स्लाइड्स बनाती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें सेशन को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले बच्चों, सिर्फ आपकी दुआओं और आपके प्यार से, ठीक है। यस, ओके बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, अनअकैडमी नीट टॉपर का जो ये टेलीग्राम चैनल है। यस, अब इस टेलीग्राम चैनल पे क्या क्या होता है मैं आपको एक बार बताती हूँ। यस, द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अभी वीडियो सॉल्यूशन आने वाले हैं, सुबह के बस सेशन खत्म होते ही वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे 8 डीपीपी मिलेगी, किसकी, जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स की डीपीपी मिल जाएगी, जहां पे 700 क्वेश्चन होंगे। जिन बच्चों को सॉल्व करो आराम से, जो जो क्वेश्चन है मेरे को बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप आराम से अपने डाउट क्लास मॉनिटर्स को भेज सकते हो, जो हमें फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का हमने चैनल बनाया जहां पे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी हैव 27,000 स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी हैव 27,000 स्टूडेंट्स विद अस। तो बच्चों यहां पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। यही नहीं, आई हैव गॉट वन मोर सरप्राइज फॉर यू, कैन आई टेल यू वन मोर सरप्राइज बच्चों। बेटा जी एन ई रेफरल कोड को रखो तुम अभी साइड में अभी ना पढ़ो मेरे साथ, अभी मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। यस, यहाँ पे हम है ना यूट्यूब पे, पढ़ो मेरे साथ, अच्छे से पढ़ो अभी। तो सबसे पहले एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम्हारी डिमांड पे प्लांट फिजियोलॉजी का कल मैराथन है। तो कल बेसिकली 2 मैराथन शुरू हो रहे हैं, लास्ट के 2 दिन है बेटा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लास्ट के 2 दिन जाते जाते ना सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। कल मैराथन शुरू हो रहा है फ्रॉम मॉर्निंग 12:15 पे, उसका लिंक आपको मैंने चैट बॉक्स में दिया है। पूरा प्लांट फिजियोलॉजी, पूरा, आई एम नॉट सेइंग वन चैप्टर, पूरा प्लांट फिजियो का वन शॉट कल स्पेशल में शुरू हो जाएगा, जहां पे आपको पता है डिस्ट्रैक्शन भी कम होती है, स्पैमर्स भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैम एक साथ, याद है ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने 7 चैप्टर एक बार रिवाइज किए थे वन शॉट में, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सारे चैप्टर मैम से ही रिवाइज करने हैं, तो कल स्पेशल में, विच इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर से बता दूं कोई पैसे चार्ज नहीं, कुछ नहीं है, बस इसका लिंक आपको दिया हुआ है। कल सुबह 12:15 से लेके शाम के 5 बजे तक आप जी स्क्वायर के साथ रहेंगे। कब से कब तक साथ रहेंगे जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। कल सुबह दिन के 12:15 से शाम के 5 बजे तक जी स्क्वायर आर्मी चिपकी रहेगी स्पेशल क्लास से, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्लांट फिजियोलॉजी चलेगा। सो मेक श्योर एवरीबॉडी एनरोल, एनरोल करते ही बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है बेसिकली, तो यहां पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एनरोल करना मत भूलना क्लास के बाद, ठीक है। तो ये 2 सरप्राइजेस है, प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसका लिंक भी हम आपको देते हैं डेली, है ना, सब कुछ चल रहा है मेरे बच्चों के लिए, सब कुछ। एंड ये हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस की बात करें बच्चों, अभी तो मैम का लॉन्ग टर्म बैच नहीं है, बट सून मैम इज गोना यू नो लॉन्च हर पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म बैच, जहाँ पे मैम सब कुछ पढ़ाने वाली हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द टॉप एजुकेटर्स, गौरव सर, महेंद्र सर, वी हैव यू नो आनंद मनी सर, सब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ अगर आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडीज करनी है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, और उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, इंस्टॉल करना है, प्लस पे जाना है, नीट यूजी एंड गेट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आप 12 या 24 मंथ्स के लिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपका पूरा प्लान वे में सिलेबस चलेगा, आपको पहले ही पूरा स्केड्यूल मिल जाता है ना बच्चों। फिर उसके बाद जीनीट रेफरल कोड आप लगा सकते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, अब लिख दो यस बच्चों अब लिख सकते हो तुम, जीनीट रेफरल कोड लगाते हैं आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, दिस सब्सक्रिप्शन इज अ सब्सक्रिप्शन जहां पे आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं, एंड पर्सनल मेंटर्स ना आपके स्टडी प्लानर्स बताते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसे कहते हैं, और इसको भी लेने के लिए आपको जीएनईट रेफरल कोड यूज करना है टू गेट योर 10% ऑफ, ठीक है। 24 मंथ्स का 90,000 है, 12 मंथ्स का 58,500 है, यस बिल्कुल। तो बच्चों अब देखो तुमसे पूछ के मैं ये काम कर रही हूँ कि कल प्लांट किंगडम की जगह जेनेटिक्स का मैराथन होगा। अगर कल तुमने चैट बॉक्स में आके हल्ला किया कि मैम प्लांट किंगडम क्यों नहीं शुरू हुआ, तो देखो मेरे को मत बोलना, मैंने तुमसे आज पूछ लिया है, ठीक है। चलो आ जाओ अब चलते हैं बच्चों, यस लेट्स स्टार्ट।
अब स्टार्ट करें बच्चों आज की क्लास। ब्लैक बोर्ड हमारा आ चुका है। अब नाउ इट्स अ टाइम टू डू आवर स्टडीज। ठीक है नैन्सी, यस भावना, कल मेरे पास नैन्सी का भी मैसेज आया था। नैन्सी नहीं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि मैम जेनेटिक्स के क्वेश्चन में हो तो रही है दिक्कत। तो वो देखते हुए बच्चों अब हमें क्लासेस तो लेनी पड़ेगी ना। यस, तो कल जेनेटिक्स का मैराथन करते हैं सुबह सुबह 10 बजे और फिर प्लांट फिजियोलॉजी का मैराथन। तो आ जाओ बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आज हमें शुरू करना है एम्फीबियन से, क्योंकि कल हमने पाइसेस यानी सुपर क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने दो क्लासेस कल पढ़ी थी, एक कॉन्डिक्थीस और एक ऑस्टिक्थीस। आज का हमारा सेशन है पहला, दैट इज एम्फीबियंस। तो सबसे पहले सभी बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे, हेडिंग एम्फीबियंस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एम्फीबियंस वो जीव होते हैं जो बेटा दोनों तरह के उसमें रहते हैं, वो पानी में भी रहते हैं और वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो हम ये लिख देते हैं। ठीक है मैम, आप फिर प्लांट किंगडम कब लोगे? ऑफ कोर्स अगर 2 दिन जेनेटिक्स चलेगा तो उसके बाद चलेगा ना बेटा। कॉमन सेंस, यस कॉमन सेंस, एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो यहाँ पे एम्फीबियंस की अगर बात करें बच्चों, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं बिल्कुल। तो यानी ये दोनों जगह पे रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता है फ्रॉग है ही, और हम उसको जानते भी है। अगर आपने मेंढक पकड़ा है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि यस मैम हमने मेंढक पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर पे आते हैं स्किन पे, लेट्स कम टू द स्किन पार्ट। बच्चों अगर मेंढक को अगर आपने देखा है या पकड़ा है तो उसकी स्किन कैसी होती है जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। यस बच्चों, यस जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में उसकी स्किन कैसी होती है। यस स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्मूद होती है और स्केल लेस होती है बिल्कुल। तो सबसे पहले स्किन की बात करते हैं, स्किन इज मॉइस्ट, ठीक है, स्मूद एंड स्केल लेस एंड स्केल लेस। तो उसके पास स्केल्स भी नहीं होते, स्मूथ भी होती है और मॉइस्ट भी होती है। अभी मॉइस्ट रखने के लिए बेटा उसकी स्किन में कौन से टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। तो इसके लिए फ्रॉग के पास होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। कौन से होते हैं बच्चों, म्यूकस ग्लैंड्स, वहीं पे जो आपके टोड्स होते हैं। टोड्स के पास क्या होते हैं बच्चों, पॉइजनस ग्लैंड्स। टोड के पास क्या होते हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स। टोड्स के पास क्या होते हैं बच्चों, पॉइजनस ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि म्यूकस इतना सिक्रेट होता है कि वो मॉइस्ट और स्मूथ हो जाती है उसकी स्किन। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंड पे बच्चों, लेट्स कम टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बिल्कुल अपन के जैसा ही होता है, हमारे जैसा ही होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज जस्ट लाइक अस, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट द कॉमन ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्लोएका। क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन ओपनिंग को क्लोएका। अब जो ये क्लोएका है ये कितने सिस्टम की ओपनिंग है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। ये 3 सिस्टम की ओपनिंग होती है, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम की अलोंग विद एक्सक्रीटरी सिस्टम अलोंग विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब 3 सिस्टम एक ही ओपनिंग के थ्रू खुलते हैं तो उसको हम क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको क्लोएका कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे इसके डेंटिशन की बात करते हैं। यस, व्हाट सॉर्ट ऑफ टीथ अ फ्रॉग हैज, कैसे टीथ होते हैं बच्चों उसके, एक्रोडोंट। कैसे होते हैं मेरे बच्चों, एक्रोडोंट, ठीक है, एक्रोडोंट डेंटिशन। कैसे डेंटिशन, एक्रोडोंट डेंटिशन। और एक्रोडोंट डेंटिशन का मतलब क्या है बच्चों, कि जो इसके टीथ है वो सुपरफिशियली अटैच होते हैं किससे, जॉ से, ठीक है। सो यहां पे जो टीथ है, टीथ आर सुपरफिशियली अटैच्ड विद जॉ, अटैच्ड विद जॉ। तो ये एक चीज हो गई हमारी, ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इट्स रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन। फ्रॉग किस किस तरीके से रेस्पायर करते हैं जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। यस मैम, ब्यूनोडोंट क्या होता है बता दूंगी बच्चा, डोंट वरी। ब्यूनोडोंट वो टाइप ऑफ डेंटिशन है जहां पे आपके टीथ के ऊपर गोले गोले बने होते हैं, जैसे कि आपके अंदर है, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज थ्रू लंग्स, और जब लंग्स के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, पल्मोनरी, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है बच्चों, बकोफैरिंग्स। सेकेंड क्या है, बकोफैरिंग्स। ये वाला हिस्सा अगर कमल आपने देखा हो, मेंढक का फूल जाता है कई बार, दिस इज कॉल्ड बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। व्हाट डू यू कॉल दिस बच्चों, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसको, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन।
अब अगर थर्ड पॉइंट पे आए तो दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को देसी भाषा में स्किन के माध्यम से होने वाले श्वसन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी लिख देते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब बच्चों इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किस में खर्च हो रही है? नाउ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम जी स्क्वायर, इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किस में खर्च हो रही है? दैट इज योर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में सबसे कम एनर्जी खर्च होती है, तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान जो केवल रेस्पिरेशन होती है वो कौन सी होती है बच्चों? स्किन वाली। कौन सी होती है बच्चों? स्किन वाली। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करें, सो दिस इज अ मोड ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। एंड एस्टिवेशन जिसमें हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है या समर स्लीप होता है, कौन बताएगा चैट बॉक्स में सबसे पहले? जिसमें हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, ठीक है, यानी कि सर्दियों की निद्रा, और वहीं पे एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप, यानी कि गर्मियों में आने वाली नींद, ठीक है, समर स्लीप। बिल्कुल, तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स अबाउट रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर्कुलेशन। लेट्स कम टू सर्कुलेशन। अब अगर इसके सर्कुलेशन की बात करें बच्चों, तो क्या इसके पास दिल होता है? बोलो यस, बोलो यस। इसके पास हार्ट होता है, और इसका हार्ट का लोकेशन क्या होता है? वेंट्रल। बिल्कुल सही साक्षी। सो हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड, बिल्कुल आपकी तरह वेंट्रली लोकेटेड होता है। और कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है मेरे बच्चों? 3 chambered heart होता है। कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है? 3 chambered heart होता है, जिसके अंदर 2 auricles और 1 ventricle होता है, जिसमें 2 auricle और 1 ventricle होता है। ठीक है बच्चों, एक्सेसरी चेम्बर्स भी होते हैं। नाउ व्हाट आर एक्सेसरी चेम्बर्स मेरे बच्चों? यस, एक्सेसरी चेम्बर्स क्या होते हैं? एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। एक्सेसरी चेम्बर्स वो चेम्बर्स हैं जो हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में, ठीक है, जैसे ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्या है बच्चों? एक है साइनोसस, ओके, ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस एंड साइनस विनोसस। तो ये हो गए इसके एक्सेसरी चेंबर्स। अब आते हैं इसके आरबीसी पे बच्चों। इसका आरबीसी न्यूक्लिएटेड है या इन्यूक्लिएटेड है, ये सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बेटा न्यूक्लिएटेड है या इन्यूक्लिएटेड है, टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, सो इसके जो आरबीसी है, जो इसके आरबीसी है वो क्या बच्चों? इन्यूक्लिएटेड। क्या है बच्चों? आपसे ऑपोजिट होते हैं, आपसे ऑपोजिट होते हैं, तो मतलब की हो गए न्यूक्लिएटेड। और शेप क्या है? बायकॉन्वेक्स। अगर आपका बायकॉनकेव है तो इसका बायकॉनवेक्स है, आपका इन्यूक्लिएटेड है तो इसका न्यूक्लिएटेड है। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर बात करें इसके हार्ट के मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, तो क्या है आंसर? ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 के पेपर में। तो इट हैज मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी कि अगर शरीर से दिल बाहर निकालोगे तब भी वो कुछ समय के लिए क्या करेगा? धड़केगा। क्या करेगा बच्चों? कुछ समय के लिए धड़केगा। तो सच अ हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इसके सर्कुलेशन की बात, ये हो गया इसको पूरे सिस्टम की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे हम लेंगे एक्सक्रीशन। लेट्स टेक एक्सक्रीशन। अब बेटा टेडपोल लार्वा, लार्वा कहाँ पे रहता है? पानी में या धरती पे? जिसका लार्वा है वो कहाँ पे रहता है? पानी में या धरती पे? ऑफ कोर्स पानी में रहता है। तो सिंस एक्वेटिक है तो इसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा? अमोनोटेलिक। क्या होगा मेरे बच्चों? अमोनोटेलिक, क्योंकि पानी में रह रहा है ना, पानी की कमी है नहीं। वहीं पे अगर इसके एडल्ट की बात करें तो एडल्ट मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? यूरियोटेलिक। ये क्या हो जाएगा? मोस्टली यूरियोटेलिक। तो एडल्ट धरती पे रहता है तो यूरियोटेलिक, लार्वा एक्वेटिक पानी में रहता है तो वो अमोनोटेलिक। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसकी किडनी के पास। इसकी किडनी क्या होती है? मेटानेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक? टेल मी इन द चैट बॉक्स, मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। शानदार मेरे बच्चों। तो अगर इसके हम किडनी की बात करें, सो द किडनी इज मीजो नेफ्रिक,
किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी। तो इसके पास कौन सी किडनी होगी बच्चों? मीजोनेफ्रिक किडनी होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सक्रीशन हो गया, अब हम लेंगे नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तो यहां पे लिखते हैं नर्वस सिस्टम। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या इसके पास ब्रेन होता है? बोलो यस, इसके पास ब्रेन होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं ब्रेन प्रेजेंट, स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो प्रेजेंट, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, और उसी के साथ साथ इसके पास कितनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। बेटा सार्थक, कॉकरोच अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मुझे भी पता है, ये बार बार बता के आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको फुटेज मिल गई क्लास में? क्या बच्चों, फुटेज लेनी है तो अपने रिजल्ट से लो ना, स्पैम करके तो कोई भी ले सकता है, कुछ करके दिखाओ, है ना। तो यहाँ पे कितनी होती है बच्चों? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, दैट इज सेंस ऑर्गन। लेट्स कम टू सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। तो बेटा अगर आपने मेंढक देखा है तो आंखें देखी है उसकी? बिल्कुल आपने जरूर देखी होंगी आंखें, है ना। तो इसके पास सबसे पहले क्या होती है? वन पेयर ऑफ आईज होती है। किसके लिए? देखने के लिए। और इसका विजन कैसा होता है बच्चों? यस, यूनिलॉकुलर विजन। ठीक है, यस, बाइनोकुलर नहीं, मोनोलॉकुलर, मोनोलॉकुलर विजन। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम ये बाइनोकुलर विजन मोनोकुलर विजन क्या है? ना है ना, है ना, आ रहा है दिमाग में आ रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये मीजोनेफ्रिक किडनी क्या होती है? ऐसी किडनी वेयर नेफ्रॉन इज विदाउट लूप ऑफ हेनले, विदाउट लूप ऑफ हेनले। चलो यहां पे ये भी लिख दिया। अब आते हैं जरा मोनोकुलर विजन तुम्हें समझाते हैं और बाइनोकुलर विजन तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, समझाती हूँ तुम्हें। बेटा देखो, तुम्हारी ये दो आंखें हैं, बोलो यस, है ना, है ना, है ना, यस, बोलो 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 दीप्ति, बोलो। दो आंखें आपकी, ये दोनों आंखें एक ही चीज देखती हैं। जैसे कि मैंने अभी देखा दृष्टि को, मैंने देखा अर्पित को, मैंने देखा चुटकी को, खेमू को, चार्मी को, दोनों आंखों से मैंने एक ही चीज देखी। सच अ टाइप ऑफ अ विजन इज कॉल्ड बाइनोकुलर विजन। क्या कहते हैं इस विजन को? बाइनोकुलर विजन। अभी किसी का सर ऐसे है, उसकी एक आंख यहाँ पे है, एक आंख उसकी यहाँ पे है, तो आप देखो बच्चों, ये वाली आंख सिर्फ ये वाला हिस्सा देखेगी, ये वाली आंख सिर्फ ये वाला हिस्सा देखेगी, बट दोनों आंखें एक साथ एक चीज कभी नहीं देखेगी। तो हर एक आंख अलग चीज देखती है। सच अ टाइप ऑफ अ विजन इज कॉल्ड एज मोनोकुलर विजन, जो आपको किस में मिलता है? आपको पक्षियों को भी देखने में मिलता है। ठीक है, यस, अगर आप चिड़िया की आंखें देखो तो चिड़िया की आंखें यहाँ पे होती है, फ्रॉग की आंखें देखो तो ऐसे होती है, तो ये दोनों आंखें ये वाला हिस्सा देखेगी। ठीक है, सो दे हैव मोनोकुलर विजन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं इसके आई के बारे में तो हमने बात कर ली बच्चों, नेक्स्ट हम इसके ईयर के बारे में बात करेंगे। ईयर, ठीक है, आपके मिडल ईयर में कितने ऑसिकल्स होते हैं बताइए चैट बॉक्स में? आपके मिडल ईयर में 3 ऑसिकल्स होते हैं, सही बात? बोलो यस, सही बात है। ठीक है, बट इनके पास सिर्फ एक ईयर ऑसिकल होता है जिसे हम कहते हैं कॉलमेला ऑरिस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलमेला ऑरिस। ठीक है, तो इनका जो ईयर है उसका जो मिडल ईयर हिस्सा है उसके पास सिंगल ऑसिकल होता है। क्या होता है बच्चों? सिंगल ऑसिकल होता है जिसे हम कॉलमेला ऑरिस बोलते हैं। ठीक है, आपके पास तो 3 होते हैं मेलस इनकस टेप्स, बट इनके पास ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं इसके एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्णपतल। क्या कहते हैं बच्चों? कर्णपतल। कर्णपतल क्या होता है? टिम्पैनम। ठीक है, तो यहां पे जो इसका एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, बाय टिम्पैनम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्णपतल इसका क्या है? सबसे बाहरी हिस्सा है, इसके पास ईयर पिना नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा सबने, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो। लिख लिया तो बेटा अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यस, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लिख लिया सबने? डन मैम, हार्ट का नंबर ऑफ चेंबर लिम्फ पर डिपेंड करता है क्या? हाँ, लोग कहते तो है नूर हसन ये, बट मैंने कभी इसका डायरेक्ट पढ़ा नहीं। कहते तो हैं, आई हैव रेड दिस, बट प्रूफ के साथ आई हैवंट एवर। यस,
चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन पे। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस बच्चों, तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर यूनिसेक्सुअल। व्हाट आर दे बच्चों? दे आर यूनिसेक्सुअल। तो ये क्या होते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल होते हैं। And sexes are separate, यानी कि unisexual बिल्कुल सही है। Fertilization कैसे होता है? What type of fertilization they show? External fertilization. कैसा fertilization है मेरे बच्चों? External fertilization. ठीक है, unisexual भी होता है, fertilization क्या है? External है। अब इसके बाद आते हैं इसके development पे, परिवर्धन। क्या कहते हैं बच्चों डेवलपमेंट को? हिंदी में कहते हैं परिवर्धन। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन सा होता है बच्चों? टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट, यहाँ हम लिखेंगे इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और लार्वा का नाम क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ लार्वा? टेडपोल लार्वा। क्या नाम है बच्चों? टेडपोल लार्वा। तो ये हो गया टेडपोल लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? लिख लिया तुमने? यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसके एग्जांपल्स। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। चलो जल्दी से एग्जांपल फेंको, चलो 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 जल्दी से एग्जांपल फेंको। हाइला, हाइला क्या है? ट्री फ्रॉग। क्या है ये? ट्री फ्रॉग। राकोफोरस, राकोफोरस क्या है बच्चों? फ्लाइंग फ्रॉग। क्या है ये? फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। बूफो, टोड। बूफो यानी टोड, बिल्कुल सही। देन वी हैव सालामेंडर, सालामेंडर। ठीक है, नेक्टुरस, नेक्टुरस क्या है आपका? मड पपी। नेक्टुरस ये है आपका मड पपी, मड पपी। देन वी हैव इक्थियोफिस, देन वी हैव इक्थियोफिस। इक्थियोफिस क्या है बच्चों? लिम्बलेस एम्फीबियन। ये क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन यानी बिना पैर का एम्फीबियन, बिना पैर का एम्फीबियन। ठीक है बच्चों, इसके बाद और कोई एग्जांपल? हाइला हो गया, राकोफोरस हो गया, बूफ हो गया, पाइपा पाइपा ले सकते हैं। सूरीनाम टोड, यस पाइपा पाइपा यानी सूरीनाम टोड, सूरीनाम टोड। ठीक है, इसके बाद हम ले सकते हैं एलाइटिस, एलाइटिस यानी मिडवाइफ टोड, यानी कि मिडवाइफ टोड, जहां पे पप्पा पेरेंटल केयर करते हैं ना कि मम्मा। कौन करता है बच्चों? पप्पा पेरेंटल केयर करेंगे, मिडवाइफ टोड। देन वेरी कॉमन राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना विच इज योर फ्रॉग। ठीक है, ये तो आपका फ्रॉग होता है। चलो और कोई बच्चों? यस, तो ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल है बच्चों जो आपको याद जरूर करने चाहिए। राइट, एवरीबडी राइट दिस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बच्चों इनमें दिखेगा ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। यस बिल्कुल, लिख लिया सबने? नाउ कैन आई स्टार्ट विद रेप्टाइल्स? फिर तो पप्पा खिलाते होंगे खिचड़ी, बिल्कुल सही साक्षी। यस चलो अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। तो यहां पे वी हैव नाउ स्टार्टिंग विद रेप्टाइल्स। तो नेक्स्ट क्लास वी हैव रेप्टाइल्स। बेटा रेप्टाइल्स है ना, काफी कुछ चीजें बदल रही हैं, रेप्टाइल्स से काफी कुछ चीजें बदल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल, ये एमनियोट्स होते हैं एन एमनियोट्स होते हैं? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। यस जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, ये एमनियोट्स होते हैं एन एमनियोट्स होते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। बेटा मेरी छुट्टियां तुम छोड़ दो, माय छुट्टियां विल स्टार्ट फ्रॉम 10th फेब। ठीक है, नॉट बिफोर दैट। तो जल्दी से बताओ रेप्टाइल्स का, एवरीबडी टेल मी। सबसे पहले जो सवाल पूछूं ना वो बताया करो। एमनियोट्स होते हैं क्योंकि इनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में एमनियोन प्रेजेंट होती है। तो यहां से आपको याद रखना है, द ट्रिक टू रिमेंबर इज राम। क्या है बच्चों? द ट्रिक टू रिमेंबर इज राम। ठीक है, अब राम क्या है बच्चों? रेप्टाइल एप्स मैमल, बोलो मेरे साथ। ठीक है, रेप्टाइल एप्स मैमल। ठीक है, और बच्चों ये क्या होते हैं? एमनियोट्स। तो अगर सवाल आ जाए कि एमनियोट्स कौन कौन है,
तो ट्रिक तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए जो जी स्क्वायर ने बताई थी, दैट इज राम। तो राम के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी एग्जांपल्स होंगे, वो सब एमनियोट्स होंगे। वो सबके सब क्या होंगे बच्चों? एमनियोट्स होंगे। और एमनियोट्स क्या होते हैं? जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे क्या प्रेजेंट होती है? एमनियोन, विच इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। देख अमीशा, यहाँ पे लिखा है मैम ने, व्हाट इज एमनियोट्स? ये वो है जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में एमनियोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं जरा इसके पॉइंट्स पे। द फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्किन। लेट्स टॉक अबाउट स्किन। बेटा स्किन कैसी होती है? छिप्पो की। यस, छिप्पो की स्किन कैसी होती है? ड्राई, स्केली, कॉर्निफाइड। है ना, छुआ है कभी छिपकली को, या उसने तुम्हें कभी छुआ हो? बता देना बच्चों चैट बॉक्स में। सबसे स्केरी क्या होता है बच्चों? जब छिपकली तुम पे गिर जाती है। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। बीएचयू में क्या होता था बेटा? बीएचयू में ना बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो मेरी फैकल्टी थी, बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती है वहां पे। ठीक है, अच्छी बढ़िया बनी हुई। अब वहां पे छिपकली भी जो होती है ना बेटा, बहुत मोटी मोटी होती है। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता था, आप लैब में जा रहे हो, ठीक है, सोचो एक तो वैसे 11 बज चुके रात के, तब भी आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप लैब में जा रहे हो और एक धम से आवाज आती है, और धम से जब आप देखते हो तो पता लगता है छिपकली गिरी है। बेटा मैं बता रही हूँ, भूत को देखना इतना डेंजर नहीं होता जितना छिपकली को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखना होता है। और जब वो आवाज आती है ना, छपक, बाय गॉड दिल की आवाज भी ऐसे रुक जाती है, छपक, एक हार्ट बीट तो पक्का मिस हो जाती है उस टाइम पे। बहुत खतरनाक लगता है बच्चों। तो यहाँ पे स्किन क्या होती है बच्चों? ड्राई, स्केली, कॉर्निफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, बस छिपकली को याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल यू नीड टू रिमेम्बर छिपकली हियर, ड्राई के लिए कॉर्निफाइड होती है। अब आते हैं सेकंड पे बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इफ यू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके डेंटिशन की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डेंटिशन। तो अगर हम डेंटिशन की बात करें, तो जो आपके सांप होते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं बच्चों जो सांप की तरह होते हैं, आपकी जिंदगी में भी एक आध जरूर होंगे। ठीक है, जो स्नेक्स है बच्चों, उसमें जो डेंटिशन होता है, दैट इज प्लूरोडोंट। कैसा होता है बच्चों? प्लूरोडोंट। ठीक है, यस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनका डेंटिशन इज प्लूरोडोंट। अब प्लूरोडोंट डेंटिशन क्या होता है, एक आध अभी जरूर पूछेंगे। कॉर्निफाइड मतलब डेड, केराटिन से भरी हुई। ठीक है, प्लूरोडोंट क्या होता है, आपने देखा है जो सांप होता है उसके दांत ऐसे होते हैं, फैंग्स, देखा आपने, ऐसे होते हैं। तो जब ये दांत टेढ़ ऐसे आगे की तरफ निकले होते हैं, जॉस ऐसे अटैच्ड होते हैं, सो सच टाइप ऑफ टीथ डेंटिशन इज कॉल्ड प्लूरोडोंट, जो आपको स्नेक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, यस, बिल्कुल, हाँ नैंसी यू आर राइट, एक्स भी होते हैं। देन वी हैव क्रोकोडाइल्स हियर। अब क्रोकोडाइल्स तो आपको पता है जबरदस्त होते हैं बेटा। तो इनके जो दांत हैं वो बहुत अच्छे से जबड़े से जुड़े होते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज थीकोडोंट, दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट। देन वी हैव टर्टल्स, जो पानी में रहते हैं बच्चों, पानी में रहते हैं, इनके पास टीथ एब्सेंट होते हैं, इनके पास तो एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमने एब्सेंट लिख दिया। ठीक है, तो स्नेक्स के पास प्लूरोडोंट, क्रोकोडाइल्स के पास थीकोडोंट, टर्टल्स के पास एब्सेंट लिख दो। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट है और एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये भी लिख देते हैं। चलो तुम खुश रहो, हम सब कुछ लिख देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए बच्चों आपको पता है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास सिर्फ फुफ्फुस यानी कि लंग्स लंग्स के थ्रू होता है, सिर्फ पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे हम लंग्स लिख देते हैं। लेट्स राइट लंग्स हियर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पे, आफ्टर रेस्पिरेशन वी डू सर्कुलेशन। तो अब अगर सर्कुलेशन की बात करें, जो हम करने वाले हैं, तो इनका हार्ट कितने चेंबर का होता है जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में। इनका हार्ट जनरली 3 चेंबर्ड होता है। कितना होता है बच्चों? 3 चेंबर्ड। सो जनरली दे हैव 3 चेंबर्ड हार्ट, 3 चेंबर्ड हार्ट जनरली इनके पास होता है, बट एक्सेप्शन भी है, दैट इज क्रोकोडिलिया। तो अगर क्रोकोडिलिया की बात करें, तो क्रोकोडिलिया के पास 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। कितना होता है? 4 चेंबर्ड। ठीक है, यस यस यस, 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, और बच्चों ब्लड तो होता ही है, हीमोग्लोबिन भी होता ही है, तो ये हो गया इसका सर्कुलेशन। अब आते हैं फिफ्थ, यानी एक्सक्रीशन। फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम शोस व्हिच टाइप ऑफ किडनी, राइट इन द चैट बॉक्स।
यस बच्चों, राइट इन द चैट बॉक्स, फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की किडनी आई है. यस यस, कौन सी है ये? मेटानेफ्रिक किडनी. कौन सी है बच्चों? ये मेटानेफ्रिक किडनी. मेटानेफ्रिक किडनी वो किडनी है जिसके हर एक नेफ्रॉन के पास लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है. सच अ किडनी इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी एंड दिस किडनी स्पेशलाइज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. सो दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. आई बात समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है यहाँ से, कि दे आर यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक. जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में. थैंक यू मोहित. यस बच्चों, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो अब तो आंसर फेंक दो यार, सही सही वाले. सो दे आर यूरिकोटेलिक. दे आर यूरिकोटेलिक. ये यूरिकोटेलिक होते हैं, मींस दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस यूरिक एसिड. जितने बच्चों ने गलत आंसर दिया ना, ये वही बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज में हल्ला करते हैं सबसे ज्यादा. बिल्कुल. तो ये क्या है? यूरिक एसिड. दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस यूरिक एसिड एज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, एक्सक्रीशन के बाद यू ऑलवेज टेक नर्वस सिस्टम. तो आ जाओ नर्वस सिस्टम पे आते हैं. तो ब्रेन तो होगा बेटा, क्योंकि छिप्पो स्मार्ट तो होती है. छिप्पो स्मार्ट होती है तो यानी कि ब्रेन तो है उसके पास. ठीक है, यस ब्रेन तो है उसके पास, और उसके पास स्पाइनल कॉर्ड भी है. स्पाइनल कॉर्ड भी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, कितनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. कितनी है बच्चों? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इनके पास कितनी है बच्चों? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चों. अब यहां पे हम करते हैं सेंस ऑर्गन. लेट्स कम टू सेंस ऑर्गन्स. तो बेटा छिप्पो के पास क्या क्या है? चलो दिमाग में बिठाओ छिप्पो को. छिप्पो के पास नैन है, बोलो यस. उसके हैं तीखे तीखे नैन, और जब वो गोल्डन देख ले तुम्हें तो बेटा फिर हमारे नैन छुप जाते हैं. अच्छा तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है बेटा, जब तक छिपकली रहेगी कमरे में तुम्हारी आंखें उसी पे ही रहती है कि ये मेरे पास तो नहीं आ रही है? तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि? मुझे बताना चैट बॉक्स में. मतलब कि कमरे में फिर मेरी निगाहें कहीं और नहीं, सिर्फ छिपकली पे, क्या छिपकली कहाँ है? और अगर मेरी नजर हटी और वो गायब हो गई, तो तुमने कभी ऐसे नोटिस किया कि तुम फिर देखते हो कि भाई मेरे ऊपर ही तो नहीं है कहीं पे? यस, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? बेटा ऐसा होता है, छिपकली सारी अटेंशन तुम्हारी ले जाती है उसी टाइम पे, सारी की सारी अटेंशन ले जाती है ना. बिल्कुल. और अगर तुम्हारी नजर हटी, छिपकली घूमी, तो दुर्घटना घटी. ऐसा थॉट भी तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है. आई नो बच्चों, आई नो यू. तो बच्चों सेंस ऑर्गन में सबसे पहले बात करें तो आईज होती है. बिल्कुल आईज होती है. ठीक है, सेकेंड यहां पे भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर. टिम्पैनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर. इट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर. देन बच्चों उसके बाद मिडल ईयर के पास भी सिंगल ईयर ऑसिकल है, जिसे हम कॉलमेलला ऑरिस कहते हैं. ठीक है, यस मैम, यू नो एवरीथिंग बिकॉज आई थिंक आई एम ऑल्सो सेम लाइक यू. मैं तो कहती हूँ बेटा आई एम जस्ट लाइक यू, बी देसी. हम है ही देसी इतने. तो यहाँ पे थर्ड अगर पॉइंट हम करें बच्चों, सो मिडल ईयर के लिए इनके पास क्या होता है? कॉलमेला ऑरिस. सेम चीज. ठीक है, अब चलते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन. तो सेक्सेस आर सेपरेट, यानी ये भी क्या है बच्चों? यूनिसेक्सुअल है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल द मेंबर्स ऑफ रेप्टाइल्स शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, यस बिल्कुल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब डेवलपमेंट पे आते हैं बच्चों. जल्दी से बताओ डेवलपमेंट कैसी है? प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष परिवर्धन, डायरेक्ट डेवलपमेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल शो व्हाट? डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो कैसा डेवलपमेंट है बच्चों? डायरेक्ट डेवलपमेंट है. ठीक है, और बच्चों दे आर ओविपैरस और विविपैरस और बोथ वन एंड टू. यस बताइए, ओविपैरस विविपैरस और बोथ वन एंड टू. गोल्डन
यस मेरा सुनहरा बच्चा, जल्दी से जवाब दे। मैम हम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलते? तो अभी मैं कौन क्या किस पे पढ़ा रही हूँ? अभी मैं किस पे पढ़ा रही हूँ? चैनल पे ही तो पढ़ा रही हूँ। यस तो यहाँ पे ओवी पैरस भी हो सकते हैं, प्लस ये ओवो वीवी पैरस भी हो सकते हैं, ओवो वीवी पैरस भी हो सकते हैं। ठीक है, देर आर सम स्नेक्स लाइक हाइड्रोफिस विच कैन बी ओवो वीवी पैरस। ठीक है, एग्जाम्पल्स करें बच्चों आप, कैन वी स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। यू कैन ऑल्सो हेल्प मी, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम छिप्पो के एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसके एग्जाम्पल ले लेते हैं? छिप्पो के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितने तरह के छिप्पो तुम्हें पता है सब बता दो। ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छिपकली यानी लिजर्ड्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं। लिजर्ड्स के एग्जाम्पल देखिए, तो फर्स्ट लिजर्ड इज अ मॉनिटर लिजर्ड विच यू कैन सी इन कोटा। कोटा में आपने देखा है बच्चों, गुरई, पता नहीं उसे क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। मैंने तुम्हें पहले भी एक स्टोरी शेयर की है, मैं जा रही थी, लिजर्ड सामने आ गई, दिल की धड़कने फिर रुक गई। ठीक है, यस। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले लिजर्ड का देखिए, सो दैट इज वेरेनस मॉनिटर लिजर्ड। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। घर की छिप्पो, यस घर की छिप्पो इज योर हेमीडेक्टिलस। तो ये भी लिख देते हैं बच्चों, हेमीडेक्टिलस दैट इज घर की छिप्पो यानी वॉल लिजर्ड, जो कि आपको दिख जाती है घरों में। ठीक है, वॉल लिजर्ड। इसके अलावा कोई और लिजर्ड? यस कैमिलियन। यस कैमिलियन, अगर कोई बच्चा देसी है तो उसके लिए चमेलियन। ठीक है, चमेलियन, चमेली का तेल, चमेलियन, ये देसी बच्चों के लिए। ठीक है, जो बहुत अंग्रेज बनते हैं उनके लिए कैमिलियन है। ठीक है, अब यहाँ पे कैमिलियन की बात करें तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर ट्री लिजर्ड। ठीक है, हाँ दिस इज योर ट्री लिजर्ड, ट्री लिजर्ड। और इसी के साथ एक गार्डन लिजर्ड भी होती है जिसे हम किलोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किलोटिस, विच इज योर गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ कुछ छिप्पो की जानकारी। इगुआना भी है विच इज योर पेट लिजर्ड। ठीक है, उसे आप पाल सकते हैं अगर आपका मन हो। कोमोडो ड्रैगन अगर मन हो तो उसे भी पाल लेना, सब तुम्हारे ऊपर है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोमोडो ड्रैगन भी, कोमोडो ड्रैगन बिल्कुल, ये सबसे बड़ी लिजर्ड है, अगर आपका मन करे तो पाल लेना बेटा, तुमसे पलती हो तो। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी स्नेक्स पे, लेट्स कम टू द स्नेक्स। अगर स्नेक्स की कैटेगरी की बात करें तो पहला जो है हमारा एग्जाम्पल दैट इज हाइड्रोफिस, सी स्नेक, हाइड्रोफिस विच इज सी स्नेक। ठीक है, पानी में रहने वाला सांप। देखो पहले तो सांप और पानी में रहने वाला सांप, इससे भी कुछ खतरनाक जिंदगी में हो सकता है क्या? पहले तो सांप है, यही काफी नहीं था जो पानी में भी रह रहा है यार। ठीक है, यस बिल्कुल। प्राइवेट लिजर्ड, इतने गंदे पीजे मारते हो बच्चों कई बार तुम। यस अब नेक्स्ट है बच्चों, ना जा ना जा ना जा ना जा, है ना, ना जा ना जा। सभी अभी गाने लग जाएंगे। ना जा क्या हमारा कोबरा, क्या है? यस तो जब भी कोबरा आता है तो आपको क्या करना है? ना जना 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 जा। ठीक है, यस बिल्कुल यही करना है आपने। देन वी कैन हैव अदर एग्जांपल लाइक वाइपेरा व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज पिट वाइपर। ठीक है, वी कैन हैव बंगारस, बंगारस व्हिच इज योर क्रेट, बंगारस इज योर क्रेट। ठीक है, देन वी हैव पाइथन, वी हैव पाइथन जिसे हिंदी में अजगर कहते हैं, वो लपेट लपेट के, हाँ देखा होगा तुमने लपेट लपेट के। ठीक है, पाइथन दिस इज योर नॉन पॉइजनस स्नेक। ठीक है, यस दिस इज योर नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक। ये नॉन पॉइजनस होता है क्योंकि ये एक इंसान को घोट के मारने में विश्वास करता है, डस के मारने में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, देन यू हैव ब्लैक मांबा, देन यू हैव एनाकोंडास, देन यू हैव लोग, देन यू हैव दोस्त। ठीक है, देन यू हैव रिश्तेदार, देन यू हैव लॉट ऑफ पीपल। ये अनचाइल्ड, यू नो दे आर अनसंग स्नेक्स, हाँ जिनको हम बोल नहीं सकते, आप सांप हैं बट सांप हैं वो। ठीक है, यस तो बच्चों ये हो गए। नेक्स्ट वी कैन टेक हियर एग्जाम्पल ऑफ किलोन एंड टेस्टिडो। तो यहाँ पे हम अलग से लाइन लगा देते हैं, किलोन दैट इज योर टर्टल, दिस इज योर टर्टल, एंड देन यू हैव टेस्टिडो, टेस्टिडो इज योर टेरिस्ट्रियल क्योंकि ये है टॉर्टोइज, क्योंकि ये क्या बच्चों? टॉर्टोइज है, दिस इज योर टॉर्टोइज। ठीक है बिल्कुल। देन वी हैव अदर एग्जांपल्स इन क्रोकोडिलिया लाइक घड़ियाल विच इज कॉल्ड एज गेवियालिस। ठीक है, यस गेवियालिस, घड़ियाल
ये आपको मिल जाएगा चंबल नदी पे, चंबल नदी पे, ठीक है। यस, घड़ियाल, घड़ियाल, क्योंकि इसका मुंह जो होता है घड़े जैसा होता है, घड़ा जो होता है ना, बिल्कुल वैसा बच्चों, बिल्कुल। अब बेटा ये मत बोल देना हमारी मैम ने बोला था कि ये सब सांप होते हैं, पता लगे कल बोल रहे हो, उसका नाम सेव कर रहे हो व्हाट्सएप पे, ब्लैक मांबा का मैसेज आ गया। यस बच्चों, ये सब मत करना बच्चों, पिट जाओगे बेकार में। ये सब मत करना कि मैम ने कहा है ऐसे लोग को लिख देना चाहिए, तो भाई ब्लैक मांबा लिख रहे हैं, तो कोबरा है, तो ये है, तो वो है, डोंट डू दिस, ठीक है। अपने मन तक रखो ये सब चीजें, ऑब्वियस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एलिगेटर बच्चों, एलिगेटर बेटा यूएस में मिलता है भाई, ये भी फॉरेन में मिलने वाला जीव है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों वी हैव क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस यानी क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं इन सब चीजों के। मैम टर्टल और टॉर्टोइस में क्या डिफरेंस होता है? बेटा टर्टल पानी में रहता है, शाकाहारी, ठीक है। टेस्ट्यूडो आपका टेरेस्ट्रियल है, ये धरती पे रहता है, बस, बिल्कुल। गुड आइडिया मैम, गुड आइडिया लिख रहे हैं नालायक। वैसे वैसे एक आध का नाम मैंने भी बच्चों ब्लैक मांबा सेव कर रखा है, तो जब भी मैसेज आता है ना तो मैं कहती हूँ लो भाई डसने के लिए तैयार। तो बेटा हाँ, मैंने भी एक आध का नाम रखा हुआ है, किसी दिन फुर्सत से तुम्हें इंस्टा लाइव पे बताएंगे, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ बच्चों, अब तीसरे पे आते हैं। तो हमारे रेप्टाइल्स कंप्लीट हो गए, एम्फीबियंस कंप्लीट हो गए, नाउ इट्स फॉर द थर्ड थिंग दैट इज एप्स, ठीक है। यस, एप्स माने पक्षी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास एप्स। एप्स माने पक्षी यानी उड़ने वाले। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। तो अब आते हैं सबसे पहले एप्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्किन, बेटा चिड़िया की स्किन कैसी होती है बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, चिड़िया की स्किन कैसी होती है? मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाकोंडा एंड पाइथन? बेटा उतना ही डिफरेंस है जितना तुझ में और अर्जुन में है। यस बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, उतना ही डिफरेंस है। ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हो तुम लोग? यस, तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्किन की बच्चों, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई स्किन, ड्राई होती है स्किन। इनके पास फेदर्स होते हैं, they have feathers as part of exoskeleton, ठीक है। And इनके पास एक ही gland होता है, which is called as uropygial gland. सिर्फ एक ही gland होता है इनके पास, uropygial gland, oil gland, जो कि tail के base पे present होता है, which is present at the base of the tail, base of the tail, यहीं पे ये present होता है, ठीक है। इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों सेकंड, अडैप्टेशन, फ्लाइट अडैप्टेशन। बेटा पक्षी उड़ते हैं, बोलो यस, तो इनके पास ऐसा क्या होता है कि वो उड़ पा रहे हो और तुम नहीं उड़ पा रहे हो? तो इनके पास कुछ तो ऐसी चीज है ना जो तुम्हारे पास नहीं है। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे अगर हम फ्लाइट अडैप्टेशन की बात करें तो पहला क्या है? गोल्डन। यस गोल्डन, जल्दी बता जल्दी बता। फ्लाइट अडैप्टेशन में फर्स्ट क्या है? इनके जो फोर लिम्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। सो दे आर फोर लिम्स, दे आर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनटू विंग्स, बिल्कुल। तो इनके जो फोर लिम्स है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जिसके कारण ये उड़न खटोला बन के उड़ जाते हैं। अब इनकी हड्डियों की बात करें तो दे हैव न्यूमैटिक बोन्स। क्या होती है बच्चों इनके पास? न्यूमैटिक बोन्स यानी इनके पास हॉलो बोन्स होती है, जो इनका वेट क्या कर देती है? कम कर देती है उड़ने के लिए, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल? एलिगेटर का मुंह पतला होता है, वो बहुत ज्यादा लड़ाका होता है, क्रोकोडाइल थोड़ा आलसी होता है बच्चों, ठीक है। यस बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, न्यूमैटिक बोन्स। दे हैव अदर स्ट्रक्चर लाइक फर्कुला, दे हैव कील, दे हैव सिंसैक्रम। इसको डिटेल में करना नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो दे हैव फर्कुला, ऑल्सो कॉल्ड एज विश बोन, दे हैव कील एंड दे हैव सिंसैक्रम विच हेल्प्स इन द फ्लाइट अडैप्टेशन, ठीक है। अब आते थर्ड चीज पे बच्चों, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। लेट्स कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास दो एडिशनल चेम्बर्स होते हैं विच इज क्रॉप एंड गिजर्ड। तो इनके पास क्रॉप भी है और इनके पास गिजर्ड भी है, क्रॉप भी है और गिजर्ड भी है, ठीक है, क्रॉप एंड गिजर्ड है। और इसके साथ साथ
इसके साथ साथ दे हैव क्लोइका ऑल्सो, ठीक है, यस क्लोइका ऑल्सो, तो क्लोइका इज ऑल्सो प्रेजेंट. बेटा द माउथ इज मॉडिफाइड इन टू वॉट, माउथ इज मॉडिफाइड इन टू वॉट, टेल मी इन द चैट बॉक्स. मैम यूरोपाइजर ग्लैंड का फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ टेल, लुब्रिकेशन ऑफ टेल वाला एरिया सारा, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, द माउथ इज मॉडिफाइड इन टू बीक, डू दे हैव टीथ, टेल मी इन द चैट बॉक्स. माउथ मॉडिफाइड इन टू बीक, बीक में मॉडिफाइड है. उसी के साथ साथ बच्चों द टीथ आर एब्सेंट, टीथ आर एब्सेंट, तो टीथ क्या बच्चों, एब्सेंट होते हैं, टीथ इनके पास नहीं होते हैं, ठीक है, यस. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के ऊपर मैम ने 3 स्टार लगाए हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा जब आएगा. तो 3 स्टार देख रहे हो, 3 स्टार का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट इस पूरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके पास लंग्स तो है ही, लंग्स तो है ही, तो यहां पे लंग्स लिख देते हैं, लंग्स, ठीक है. और लंग्स के साथ साथ दूसरी चीज क्या है बच्चों, यस दे आर वैस्कुलर इन नेचर, दे आर वैस्कुलर इन नेचर. तो यानी कि एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होगा, लंग्स पे होगा, बट दे डू हैव एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स आल्सो व्हिच आर कॉल्ड एज एयर सैक्स. दे आल्सो हैव एयर सैक्स व्हिच आर नॉन वैस्कुलर, व्हिच आर नॉन वैस्कुलर. तो आप कहोगे मैम जब ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर ही नहीं रहा है तो ये है क्यों, क्योंकि बच्चों इट विल हेल्प इन कूलिंग ऑफ द बॉडी. तो इसका पहला फंक्शन क्या है, कूलिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी को ठंडा रखेगा, ठीक है. उसके बाद बॉडी को हल्का रखेगा, रिड्यूसेस बॉडी वेट, रिड्यूसेस बॉडी वेट, क्योंकि बॉडी में क्या भरी है, हवा, क्या भरी है, हवा 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 हवाई, ठीक है. फिर आते हैं आफ्टर दिस दे हैव, बेटा चिड़िया गाना गाती है, टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या चिड़िया गाना गाती है, टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस चिड़िया गाना गाती है, कोयल गाना गाती है. तो यानी कि इनके पास साउंड बॉक्स होता है, और साउंड बॉक्स को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम यहाँ पे, सिरिंग्स, क्या कहते हैं बच्चों, सिरिंग्स. तो इनके पास सिरिंग्स होता है, सिरिंग्स होता है, और सिरिंग्स का काम क्या होता है, वॉइस, कोयल सी तेरी कुकू, ना 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 ना, है ना, यस. तो ये हो गया वॉइस बॉक्स, तो ये हो गया वॉइस बॉक्स, बिल्कुल सही लिखा सबने, बिल्कुल अच्छा. कौए की तरह कुकू, टाना ना ना. चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों. आफ्टर रेस्पिरेशन वी गो विद सर्कुलेशन, सो लेट्स कम टू द सर्कुलेशन. हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट बच्चों, हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट, दे हैव 4 chambered heart, कितना है बच्चों, 4 chambered heart. अब इनकी aortic arches कौन सी काम करती है, वी नीड टू सी ऑन वॉट साइड देयर aortic arches आर फंक्शनल. हमारे में लेफ्ट साइड की aortic arches फंक्शनल होती है, इनमें हमसे उल्टा होता है, ठीक है, यस बिल्कुल, ठीक है, हमसे उल्टा होता है. तो इनके में राइट एओर्टिक आर्चेस आर फंक्शनल, हम में लेफ्ट तो इनमें राइट, तो यहां पे हम लिखेंगे लेफ्ट राइट एओर्टिक आर्चेस फंक्शनल, एंड दे हैव रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम, दे हैव रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम. इसका मतलब क्या है बच्चों, richest blood in animal kingdom का मतलब क्या है, the amount of RBCs highest among all the members of animal kingdom. So richest blood का मतलब क्या है, maximum amount of RBC per mm cube of blood, per mm cube of blood. तो यानी कि इनका जो खून होगा वो बेहद लाल रंग का होगा, क्योंकि इनके पास आरबीसी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों, यस बिल्कुल, इवन मोर देन ह्यूमंस. बेटा इनको उड़ना है ना, सो दे नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यस बिल्कुल. अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, आफ्टर सर्कुलेशन वी विल डू एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है मेटानेफ्रिक किडनी, दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी है बच्चों.
और इसी के साथ साथ दे आर यूरिकोटेलिक, दे आर यूरिकोटेलिक। तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं बच्चों। और तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो मेटानेफ्रिक किडनी हो गई, यूरिकोटेलिक हो गई, और यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। ठीक है, यस। तो यहां पे यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जब आप पेड़ के नीचे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, अक्सर नाम गोद रहे होते हैं उसके ऊपर, है ना, ईशा ईशा ईशा। तो जब आप गोद रहे होते हैं नाम, तो अक्सर आप प्रसाद लेके भी आते हैं साथ के साथ। यस, क्या है ना, छाप छोड़ जाता है। जैसे आप पेड़ के ऊपर छाप छोड़ के जा रहे हैं ना, ऐसे ही आप वहां से छाप लेके भी आते हैं, कभी अपने सर पे, कभी बालों पे, कभी बाजू पे। तो हमें भी प्रसाद मिलता है। तो अगर आप नाम गोद के आएंगे तो प्रसाद भी लेके आएंगे। यस मेरे बच्चों, राइट नशीद, बिल्कुल सही। तो बेटा इसलिए इनके पास यूरिनरी ब्लैडर होता नहीं है, तो जैसे ही बनता है वैसे ही बाहर निकलता है। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे इनके। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, यस बच्चों, पोपट लव्स मैना। यस मैम एक्सपीरियंस। बेटा आप ऐसे मत क्या करो, जो भी मैं स्टोरी बताती हूँ तुम ऐसे ऐसे करते हो यार। मैंने कभी किसी का नाम नहीं गोदा यार। क्या बेटा, बस इतना ही रह गया क्या लाइफ में, नाम गोदना ही काम रह गया है। तुम पढ़ाऊंगी का फिर मैं। यस बेटा तुम लोग बहुत तेज हो यार, बहुत तेज। इतने तेज बच्चे मेरे को ही क्यों मिलते हैं हमेशा, यूनिसेक्सुअल। ठीक है तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, उसके बाद आते ओके ओके यूनिसेक्सुअल है बच्चों। अभी पढ़ाई करनी है बेटा, आज का लेक्चर लंबा चलेगा, एक तो कम लिखो तुम वो सब चीजें। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है एंड दे ऑलवेज शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दे ऑलवेज शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता हमेशा, एंड दे आर ओवीपैरस, एंड दे आर ओवीपैरस। ठीक है, लिख लिया सबने, लिखा कि नहीं लिखा? अरे साक्षी नालायक, बहुत तेज हो यार तुम लोग, बहुत तेज बच्चे, बहुत तेज बच्चे। अब पढ़ ले हम, कैन वी स्टार्ट स्टडिंग? यस, स्टडी शुरू करें, चलो आ जाओ। मैम आप बहुत स्लो कराते हो। हाँ बेटा हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, हमारे संकल्प सीरीज आराम आराम से। मैंने कभी कहा ही नहीं मैं भगाऊंगी, कल आ जाना, कल मैराथन है, देख लेना फिर। अब आते बच्चों एग्जाम्पल्स पे, लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला क्या है, एप्टेनोडाइटिस। एप्टेनोडाइटिस क्या होता है बच्चों, टेल मी इन द चैट बॉक्स। चलो अब इस तरीके से हम क्लास में गेम खेल सकते हैं। मैं साइंटिफिक नेम लिखूंगी, आपने उसका कॉमन नेम बताना है। ठीक है, यस बच्चों। हाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट भी लिख देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये क्या होता है बच्चों, पेंगुइन। ये क्या होता है, पेंगुइन होता है, ठंडे इलाकों में मिलता है ना। यस बेबू, ठंडे इलाके में मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, सेकंड एप्टेनोडाइटिस के बाद यस आते हैं नेक्स्ट कीवी। कीवी क्या है बच्चों, फ्लाइटलेस बर्ड। क्या है, एप्टेरिक्स, यानी कीवी, इसका साइंटिफिक नेम है एप्टेरिक्स। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं पाती है। ठीक है, यस बिल्कुल उड़ नहीं पाती है। थर्ड बच्चों कीवी हो गया हमारा, एप्टेनोडाइटिस हो गया। नेक्स्ट ले लेते न्यूफ्रॉन, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यूफ्रॉन। वल्चर क्या बच्चों, ये वल्चर। और हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, सॉरी नेशनल बर्ड, दैट इज पावो, पीकॉक। क्या है बच्चों, पीकॉक। फिर जो हर जगह गंदा गंदा पंदा पंदा मचाते रहते हैं वो कौन से, कोलंबा, यानी कि पिजन, यानी कि पिजन। ठीक है, यस यानी कि पिजन। फिर वी कैन टेक स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो इज योर ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो इज योर ऑस्ट्रिच। ये हो गया आपका ऑस्ट्रिच। चलिए लिखिए सारे एग्जाम्पल चैट बॉक्स में। लिख लिया सबने, कबूतर, कॉर्वस ले सकते हैं, यूडिमस ले सकते हैं, सिटाकुला ले सकते हैं। यूडिमस, यूडिमस इज योर कोयल, यूडिमस इज योर कोयल। कुकू, जो ब्रूड पैरासिटिज्म शो करती है, इकोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद है बच्चों कॉर्वस। कॉर्वस का कॉमन नेम है क्रो। ठीक है, फिर यू कैन टेक सिटाकुला। सिटाकुला इज योर पैरट, तोता, ते मैना। ठीक है, यस बिल्कुल लिख लीजिए सब, राइट इट। मैम ऑस्ट्रिच नहीं फ्लाई करता क्या? मैम बेटा नूर तू फ्लाई करा दे, कुछ तो अलग कर।
इतनी भारी होती है बेटा, ऑस्ट्रिच कैसे उड़ाएगा? यस बेटा, सवाल दिमाग लगा के नहीं पूछते हो। गोल्डन तेरे को बहुत हंसी आ रही है कबूतरी लिख के। हाँ यस, अच्छा फौजी राम, वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। चलो हम लास्ट क्लास पे आ रहे हैं बेटा। कैसा लग रहा है आज एनिमल किंगडम कंप्लीट होने वाला है? बेटा हमारा यूट्यूब पे भी एनिमल किंगडम बहुत लंबा चल गया ना, आई थिंक 1.5 हफ्ते से एनिमल किंगडम चल रहा है। काफी मतलब कराते कराते फिर भी यार हो गया ना। हाँ आई कैन सी दैट, हमारा यूट्यूब पे भी काफी लंबा एनिमल किंगडम चला है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि भाई फाइनली एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट बनी है। इफ यू सी द प्लेलिस्ट, एवरीथिंग इज देयर इन द प्लेलिस्ट ऑफ शंकर। वेरी नाइस बच्चों, तो आ जाओ चलो अब हम लास्ट क्लास कर रहे हैं। क्लास मैमल, क्लास मेमेलिया जिसे हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। अच्छी फीलिंग आ रही है कि वी आर एट फाइनली एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग एनिमल किंगडम, जो लग रहा था कि यार बहुत बड़ा चैप्टर। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बहुत ही थम्स अप देना चाहती हूँ कि वो रेगुलरली इतना क्लास करते हैं। आई कुड हैव स्टार्टेड विद सम यू नो डिफरेंट सीरीज और समथिंग लाइक दैट, बट आप बच्चे डेली आते ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। यस आ जाओ मेमेलिया पे आते हैं। सो द वर्ड मेमेलिया कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड एज मेमे। मेमे मीन्स मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स। तो जितने भी मेंबर्स हैं क्लास मेमेलिया के, जितने भी मेंबर्स हैं क्लास मेमेलिया के, सबके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, चाहे फंक्शनल नॉन फंक्शनल, बट होते सबके पास है। ठीक है बिल्कुल बच्चों, अब आते हैं इसके जरा फीचर्स पे, लेट्स स्टार्ट। तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि ये हमको आते भी हो, फिर मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे याद करना है। ठीक है आ जाओ, तो सबसे पहले एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। चलिए बताइए बाहरी कंकाल में आपके पास क्या क्या चीजें है, चलिए बताइए एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, बाहरी कंकाल में आपके पास क्या क्या चीजें है। यस टेल मी, शैलेंद्र मिश्रा, विशाल मैम, हम बहुत ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन की बात करें तो बाहरी कंकाल में हमारे पास क्या है, नेल्स है, शेर के पास क्लॉज है, हेयर है। ठीक है, तो ये सारे आपके बाहरी कंकाल के हिस्से हैं। और जो स्किन और बोन लिख रहे हैं ना बेटा, तुम्हारी बोन बाहर निकली हुई है क्या शरीर से, बताना जरा चैट बॉक्स में। नहीं, तुम्हारी हड्डियां बाहर निकली हुई है कि शरीर से। एक्सोस्केलेटन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एक्सो माने बाहर, बाहरी कंकाल। यस, तो यहां पे लिखिए जरा स्किन, नहीं होगी ना लायक, मेरे से भी गलत लिखवा रहे हो, है नेल्स क्लॉज हॉर्न्स। ठीक है, सींग भी तो होते हैं, गाय के पास सींग नहीं होते ना लायक। चलो सेकंड लिखो एंडोस्केलेटन। चलो अब बताओ वाला आंसर जो गलत फेंक रहे थे पहले। एंडो माने आंतरिक कंकाल, यानी बॉडी के अंदर वाला कंकाल, तो इसमें क्या आएगी, बोन्स, बोन्स कार्टिलेज। ठीक है, पता होना चाहिए बच्चों। फिर उसके बाद आते थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहां पे हम लिख देते कंप्लीट एंड क्लोइका एब्सेंट एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस, एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस कौन होते हैं आपके, ऑर्निथोरिंकस डगबेट प्लाटिपस। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेकंड पे रेस्पिरेशन। चलिए अपना रेस्पिरेशन बताइए कैसे होता है, थ्रू लंग्स, थ्रू लंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन अगर देखें तो बच्चों कैसा है हमारा, फोर चेंबर हार्ट है, चार चेंबर हार्ट है, तो प्यार भी चार बार हो सकता है, क्या कहते हो, आपका कहना क्या है इस बात पे। यस, क्या कहना चाहते हैं आप, तो फोर चेंबर हार्ट है बच्चों। ठीक है बिल्कुल, यस फोर चेंबर हार्ट है। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। और फोर चेंबर हार्ट ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी है बच्चों, एंड दे हैव हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो सिक्स पे आते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है बच्चों, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है मेटानेफ्रिक किडनी। क्या है बच्चों, मेटानेफ्रिक किडनी, दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी। तो दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी फॉर एक्सक्रीशन पर्पस। ठीक है, एंड दे आर यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। अब आते हैं नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, अपने बारे में तो पता ही होगा यार। यस, अब आते हैं नर्वस सिस्टम,
तो लेट्स टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें बच्चों, तो देयर इज अ वेरी यूनिक फीचर व्हिच इज प्रेजेंट इन मैमल्स, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, यस, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। मैंने लग रहा है गलत सवाल पूछ लिया है, किसी के दिल की दुखती रक्त पे हाथ रख दिया है। यस, ये थोड़ा सा गलत सवाल हो गया। ठीक है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, सबके सब अलग ही एक्टिव हो गए हैं। तो बेटा कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, उसके बाद दे हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड दे हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, सेंस ऑर्गन आपको बताइए बच्चों, ईयर, नोज, आई, स्किन, टंग। चलो, इतना तो सबको पता ही था, पता था ना सबको। चलो, अब हम करेंगे इसके ऑर्डर्स। करें स्टार्ट बच्चों इसका क्लासिफिकेशन। यस, करें बच्चों। मैम आप बहुत अमीर हो, बीटी सर ने बताया। मैं तो कहा ही था कल, इसकी वीडियो भी बन चुकी है फैन क्लब पे। यस, आई एम रिच, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सी ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट वॉचिंग अस लाइव एवरी डे विदाउट इवन ए न्यू सीरीज और समथिंग लाइक दैट। संकल्प सीरीज को बेटा 2.5 महीने हो गए हैं। संकल्प सीरीज को 2.5 महीने, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज। और देख रहे हो आज भी, माना कि वी स्टार्टेड विद ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट बट स्टिल वी हैव रिटेन्ड सो मेनी स्टूडेंट्स। ये बच्चे वो हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, नॉट लाइक एक दिन आए बस देखकर शो देख के चले गए। दीज आर माई रेगुलर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी। यस बच्चों, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते बच्चों। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेटा देखो, आप थोड़ा सा हम हाई लेवल पे जा रहे हैं। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना आपने देखा होगा कि नीट में क्वेश्चन आया था पेरिसोडेक्टाइला पे। आप खुद मुझे बताइए, येस और नो। यस, आप खुद मुझे बता सकते हैं येस और नो। एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले पेरिसोडेक्टाइला पे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हॉर्स इक्वस। ठीक है, तो जब से वो क्वेश्चन आया ना बेटा, तब से हमने ना ये पढ़ाना फिर शुरू कर दिया। दो में पहले नहीं पढ़ाती थी, बट सिंस बेटा नीट वाले अब उंगली करते हैं तो फिर पढ़ाना पड़ता है। देखो, हम चाहते हैं हमारे बच्चे सारे क्वेश्चन अटेंड कर ले, तो इसलिए बच्चों ये मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ, इसको आप लिखना जरूर। ठीक है, और हल्ला मत करना कि एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अपना ऑर्डर। यहाँ पे हमें सारे ऑर्डर्स करने हैं किसके, क्लास यूथीरिया के, इंफ्रा क्लास यूथीरिया। यूथीरिया आर योर ट्रू मैमल्स, ट्रू मैमल्स, ये ट्रू मैमल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। और यहाँ पे बच्चों हमारे क्या है, लेट्स सी, आ जाओ इधर। यहां पे हमें करने हैं ऑर्डर्स। कार प्लीज, कैन यू सी द ट्रिक हियर, एवरीबॉडी कैन सी द ट्रिक बच्चों। यस, एवरीबॉडी कैन सी द ट्रिक हियर। कार प्लीज, दिस इज योर ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द ऑर्डर्स व्हिच आई एम गोइंग टू राइट हियर राइट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कार के अंदर 3 लेटर्स हैं, तो 3 यहां पे लिख दिए। प्लीज में भी 3 लेटर्स हैं, तो यहां लिख दिए। ठीक है, घुमाने के लिए आप मम्मी के पास गए, पापा के पास गए हो कि कार प्लीज चाबी दे दो। ठीक है, ऐसा बोलते हो ना तुम, पापा आज बाहर जाना है, न्यू ईयर है, गाड़ी मिलेगी, फिर तुम फ्लाइंग चप्पल भी लेकर आते हो, याद करो वो दिन, है ना। यस, याद करो वो दिन, आप जाते हो प्यार से मासूम सा चेहरा बना के, पापा कार प्लीज, फिर तुम्हें इन रिटर्न फ्लाइंग चप्पल भी मिलती है। यस, वही वाला दिन, कार प्लीज। तो अब आ जाओ सी पे आते हैं। सबसे पहले लेट्स कम टू द सी। Now the first C stand for Chiroptera. Chiroptera. Now what are Chiropterans? बेटा इसमें टेरोपस आता है, यानी कि flying mammals. ठीक है, we have 4 limbs. इनके जो 4 limbs हैं, 4 limbs are modified into wings. And the example for this particular order is Pteropus, which you call as flying fox. Bat, चमकादड़। हाँ बिल्कुल सही लूसीफर, चमकादड़, बिल्कुल सही। ठीक है, yes. अब आते हैं next बच्चों, second. मैं सिर्फ उतने ही order करा रही हूँ जितने NCERT में दिए हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं करा रही मैंने तुम्हें। यहाँ पे PhD थोड़ी करानी है mammals के अंदर, बिल्कुल। अब सेकंड पे आते हैं बच्चों, अदर सी स्टैंड फॉर कार्निवोरा। कार्निवोरा, कार्निवोरा से पता चल गया आपको ये कार्निवोर्स होने वाले हैं। ठीक है,
एंड दे हैव टीथ लाइक कार्नेशियल टीथ. कार्नेशियल टीथ आपने देखा होगा, शेर के दो दांत बेहद लंबे होते हैं चीर फाड़ करने के लिए. तो जो वो लंबे दांत होते हैं चीर फाड़ करने वाले, उसे हम कार्नेशियल टीथ बोलते हैं. ठीक है, यस. उसे क्या बोलते हैं बच्चों? टीथ बोलते हैं, कार्नेशियल टीथ. और इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्नेशियल टीथ? सॉरी, कार्निवोरा बच्चों, आपके लायंस हो गए, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगर, ठीक है. देन यू हैव डॉग्स ऑल्सो, कार्निवोर्स, ठीक है, कैट्स ऑल्सो, ये सब हो गए यहाँ पे. फिर आते हैं तीसरा बच्चों, सी स्टैंड फॉर सिटेशी. सिटेशी में आपके एक्वेटिक मैमल्स आते हैं. कौन से आते हैं बच्चों? आपके एक्वेटिक मैमल्स. तो यहाँ पे वो मैमल्स है जो पानी में रहते हैं, जिनके हाइंड लिम्स आर एब्सेंट. क्या होते हैं यहाँ पे? इनके हाइंड लिम्स, इनके हाइंड लिम्स आर एब्सेंट. तो इनके पास हाइंड लिम्स होते ही नहीं है. इनके पास हाइंड लिम्स नहीं होते हैं, प्लस बच्चों इनके जो फोर लिम्स है, दे आर मॉडिफाइड इनटू फिन्स फॉर स्विमिंग. और इनके फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू फिन्स फॉर स्विमिंग. तो ये स्विमिंग करते हैं. एग्जाम्पल क्या है बच्चों? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर? द ब्लू व्हेल. द एग्जाम्पल इज बेलिनोप्टेरा, बेलिनोप्टेरा विच यू कॉल एज ब्लू व्हेल, which you call as blue whale. Pisciter, pisciter, pisciter क्या है बच्चों? आपकी sperm headed tail. कौन सी है? whale, sorry, tail बोल रही हूँ बच्चों. sperm headed whale, ठीक है, yes. sperm headed whale, sperm headed whale, ठीक है बच्चों. उसके बाद next आपका बेलिनोप्टेर हो गया, pisciter हो गया, and the third one is, what is the third one? डेल्फियस. डेल्फियस क्या है बच्चों? व्हाट इज डेल्फियस? डॉल्फिन. इट इज डॉल्फिन, राइट? लिखा सबने. अब आते हैं नेक्स्ट पे. तो कार हो गया, अब चलते ए पे. ए है हमारा एरेक्टोडाइला, एरेक्टोडैक्टिलस, एरेक्टोडाइल. रुको बच्चों, रुको रुको रुको, स्पेलिंग भूल गई यार मैं इसकी. ओके, आर्टियोडेक्टाइला, यस, इट इज आर्टियोडेक्टाइला. सॉरी बच्चों, सॉरी, कई बार ऐसा हो जाता है, हो जाता है कई बार ऐसे, सॉरी बच्चों, है ना. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आरटीओ डेक्टाइला, यस. तो यहाँ पे हम आ गए. बेटा चार्ट्स क्यों नहीं चल रही है? सब ठीक है ना? यस, हाँ हाँ हाँ. तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. आरटीओ डेक्टाइला क्या? इवन नंबर ऑफ टोस. अगर आप गाय के पैरों पे देखोगे तो वहां पे दो टो दिखते हैं. तो दे ऑलवेज हैव इवन टोस, दे ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ टोस, ठीक है, दो होंगे, चार, ऐसे इवन होंगे हमेशा. और प्लस दे आर रूमिनेंट, दे आर रूमिनेंट. और इसका एग्जाम्पल क्या है? काओ, बफलो, जीराफ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए. अब आते फिफ्थ, यानी आर पे. फिफ्थ है हमारा रोडेंशिया. क्या है बच्चों? रोडेंशिया, जिसमें आपके रोडेंट्स आते हैं. रोडेंट्स यानी कि रैटस, रैटस आपका रैट, ठीक है, रैटस, रैटस. तो यहाँ पे रोडेंशिया के पास क्या है? डायस्टिमा. एक मेजर फीचर क्या है? डायस्टिमा. इनके पास केनाइंस नहीं होते, जिसके वहां पे स्पेस बच जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायस्टिमा, ठीक है, बिल्कुल बच्चों. तो ये हो गया डायस्टिमा, ठीक है, बिल्कुल. फिर उसके बाद बच्चों, रोडेंशिया, डायस्टिमा, एग्जाम्पल इज रैटस, रैटस. एग्जाम्पल क्या बच्चों इसका? रैटस, रैटस. फिर आते सिक्स पे बच्चों. सिक्स हमारा आ गया पी. पी माने पेरिसो, पेरिसो डेक्टाइला. स्पेलिंग सही है, देख लेना भाई. पेरिसो डेक्टाइला, पेरिसो डेक्टाइला में ऑड नंबर ऑफ टोज, यानी एक फिंगर होगी पैर में, या फिर तीन होगी, या फिर पांच होगी, हमेशा ऑड नंबर चलेगा, ऑड नंबर ऑफ टोज. ये किसमें आपको मिलता है? हॉर्स, यानी इक्वस, इक्वस. एग्जाम्पल हो गया इसका इक्वस, इक्वस. नाउ द सेवेंथ वन इज पी से प्रोबोसिडा, पी से प्रोबोसिडा. एंड इसमें आते हैं सबसे हेवीएस्ट लैंड मैमल्स. यहाँ पे सबसे कौन से आएंगे बच्चों? हेवीएस्ट, हेवीएस्ट लैंड मैमल्स, हेवीएस्ट लैंड मैमल्स. एग्जाम्पल क्या है इसका? एलिफेंट, एलिफेंट, एल्फस,
ठीक है, यस। फिर आते और इनके पास सूंड भी तो होती है, सूंड भी तो होती है बच्चों, सूंड, यस यस। फिर उसके बाद आते एट्थ, पी स्टैंड फॉर प्राइमेटा, द वाइज एनिमल्स। प्राइमेटा क्या है बच्चों? वाइज एनिमल्स। वाइज एनिमल्स यानी हम कौन से ऑर्डर में आते हैं? प्राइमेट्स, वी आर प्राइमेट्स, क्योंकि वी आर वाइज एनिमल्स, ठीक है, यस। अब आते नेक्स्ट बच्चों, नाइन्थ, लेगोमॉर्फा। लेगोमॉर्फा, लेगोमॉर्फा में आता है आपका रैबिट, रैबिट। चलो हो गया, हाँ ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने लिखा है किस लिए? तुम्हारे लिखने के लिए बेटा। देखो, आई कैन टीच नाइन टेंथ ऑल्सो, आई कैन टीच इलेवन ट्वेल्थ ऑल्सो, आई कैन टीच, बट द प्रॉब्लम इज यू शुड कम रेगुलरली इन द क्लास। बेटा जब केनाइंस एबसेंट होते हैं ना मेरे बच्चा, जब केनाइंस एबसेंट होते हैं साक्षी, तो उसकी जगह वेकेंट स्पेस बचता है, जिसे डायस्टेमा बोलते हैं। यस, डन मेरे बच्चों? लिख लिया तो जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग हियर। कल सुबह सबसे पहले तो सभी छात्रगण, अनाउंसमेंट है, सभी छात्रगण जो वहां पे लिंक दिया हुआ है, अभी 1000 बच्चे एनरोल दिख जाने चाहिए मुझे, अभी 1000 बच्चे। कल प्लांट फिजियोलॉजी का वन शॉट स्पेशल पे पूरा सेशन है, मुझे 1000 बच्चे चाहिए अभी के अभी एनरोल्ड। भागो अभी के अभी, एनरोल करके आओ वापस, लिंक पे क्लिक करो और भागो जल्दी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू एनरोल फॉर टुमारो स्पेशल क्लास। कल 12 से 5 जी स्क्वायर के साथ, यही हमारा नारा है, कल 12 से 5 जी स्क्वायर के साथ हमें बिताना है, ठीक है, यस बिल्कुल। टाइम बता तो रही हूं, 12 से 5 सबके सब आ जाने चाहिए, बिल्कुल दम दमा के, सारे के सारे 1000 बच्चे मुझे चाहिए, सबके सब एनरोल कर दो जिसे नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैंने नाम ले दिया और वो बच्चा मुझे नहीं दिखा तो यूट्यूब पे देखो उसके क्या होता है, फिर देखो नेक्स्ट क्लास में उसके साथ क्या होता है। यस, कर लिया बच्चों? So with this we complete our animal kingdom and I'm super duper happy कि we have done this in super details। चलो अब यहाँ पे questions करने की कोशिश करो, do the question। Characteristic of class reptilia, क्या क्या characteristics है reptilia की? हाँ रोस्टिंग, बिल्कुल नैन्सी बिल्कुल सही बोली, उसको समझ में आ गया कि क्या हो सकता है। हाँ बेटा, आज टेलीग्राम ग्रुप पे आई एम गोइंग टू शेयर फोटोज ऑल्सो, मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास टेलीग्राम पे आपको पूरे एनिमल किंगडम के नोट्स मिल जाएंगे, इफ यू कैन सी, अगर कुछ दिख रहा है तो ये एक बहुत बड़ा टेबल है, इफ यू कैन सी बच्चों, यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो ये एक बहुत बड़ा टेबल है पूरे एनिमल किंगडम का, सुपर फास्ट रिविजन। इसका फोटो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे अभी क्लास के बाद, ठीक है, और आप एक बार इसको याद करके खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे बच्चों का एनिमल किंगडम पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक और है, ये नॉन कॉर्डेटा का टेबल है हाई लेवल का, ये दूसरा है बच्चों, ये कॉर्डेट्स का है। तो ये दोनों फोटोज आपको अभी टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगी आफ्टर द क्लास, ठीक है, यस बिल्कुल। तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं इंस्टेंट नोट्स के साथ। तो इसका आंसर बच्चों ने ए दिया था एंड आई थिंक ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा नाइन टेंथ के लिए आपके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट, बच्चों आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, मैं आपको बता दूं 9-10 चैनल पे भी मैम इज गोना स्टार्ट अ स्मॉल सीरीज फॉर 9-10 स्टूडेंट्स, जहां पे हम उन्हें बताने वाले हैं, एजुकेट करने वाले हैं हाउ टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, हाउ यू कैन एस्पायर टू बी अ वंडरफुल डॉक्टर। तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को बता सकते हैं कि अनअकैडमी 9-10 पे जी स्क्वायर विल स्टार्ट हर क्लासेस वेरी सून, यस। तो बच्चों ये क्या है इसका आंसर? ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड ओपरकुलम ऑन ईच साइड। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सारी, अच्छा सही पूछा ना, हाँ ये सही है, मुझे लगा ऑल फिशेस लिखा है, बोनी फिश में तो होता है, यस। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हो जाता है। अब भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन कौन कौन बताएगा मुझे? यस, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मुझे कौन कौन बताएगा? आज सेशन आने वाला है टॉप 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशन विद जी स्क्वायर। और मुझे सारे बच्चों के ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जानने, और फिर विल मेक श्योर कि इस साल हमारा बहुत अच्छा हो। यस, मैं भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, तुम भी करो यार आज, ठीक है? होम्योथर्मिया, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंगरू, पैरट एंड प्लैटिपस इज होम्योथर्मी बिकॉज दे ऑल थ्री आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट, ये देखो, ये जेनेटिक्स के बाद होता है बच्चों का हाल, ये सारे जी स्क्वायर आर्मी है जेनेटिक्स पढ़ने के बाद। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल था जब मैम ने कराया, ये तो सुपर सिंपल था जब मैम ने कराया, ये तो इतना इजी था। यस, दिस इज जी स्क्वायर आर्मी। ओ, ये तो सुपर सिंपल था। आंसर बच्चों, ओनली थ्री बॉडीज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये बिल्कुल ठीक है। टू नहीं, यहाँ पे थ्री चेम्बर्ड हार्ट होगा, यहाँ पे थ्री चेम्बर्ड हार्ट होगा, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, आई एम अ डांसिंग फ्रॉग, यू आर डांसिंग फ्रॉग, है ना? यस, चलिए बताइए बच्चों, व्हाट इज आंसर? रीनल पोर्टल सिस्टम, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ द वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट इज द प्रेजेंस ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम। क्योंकि रीनल पोर्टल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वंस व्हिच हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। सिंस रैबिट इज मैमल, उसके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट है, तो उसके पास रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले सभी बच्चे छात्र अभी एनरोल करो, अभी एनरोल करो, और मैं फोटो सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दिस इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक और शेयर करना है, हमारे साथ बने रहना है, हिट द बेल आइकन करना है सो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, ठीक है बेटा? आज 12:30 बजे वाली क्लास का लिंक नहीं बना, अभी बनवा दी हूँ जाके अभी बनवा रही हूँ, रुको। चलो बाय।